सबसे पहला काम आज हम ये करेंगे, जितना भी हम लोगों ने अभी तक अपने लैब का काम किया है उसकी रेपिटेशन करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप लोग भी सारे एटलीस्ट आज की क्लास को ज़्यादा गौर से अंडरस्टैंड करें, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? तो मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ, और साथ ही मैंने न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक किया, या कंट्रोल प्लस सेंड करेंगे तब भी वही चीज़ हो जाएगी। वेट करेंगे कि चीज़ें लोड हो जाएं कम्प्लीटली। तो ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, तो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अब जब टेबल क्रिएट करेंगे तब आपको यही मसला आएगा, आप टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो 3-4 बार रिफ्रेश के बटन पर क्लिक किया करें, और उसके बाद भी अगर नज़र ना आए तो अपना एसक्यूएल सर्वर को बंद कर दिया करें और दोबारा ओपन किया करें, थोड़ी मतलब 2-3 मिनट की डिले के बाद। तो वो सम टाइम ये होता है कि रिपोजिटरी में शो नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से, तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद हमारे कोड में कोई एरर है। जब कोड में कोई एरर होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं, अब नेक्स्ट क्यूरी को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मैं ज़रा काम थोड़ा तेज़ी में करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्यूरी करते हैं। नेक्स्ट क्यूरी क्या है? ड्रॉप डाटा बेस। ड्रॉप डाटा बेस का मतलब क्या था कि जो डाटा बेस बनाया हुआ उसको डिलीट कर दो, ठीक है? मैं आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ बस, ठीक है? ड्रॉप डेटाबेस एलाइड, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे एलाइड बना हुआ लिखा हुआ आ रहा है। अब जरा हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं 3-4 बार। ये देखें एलाइड का जो डेटाबेस है वो यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है? अब मैं दोबारा क्रिएट कर देता हूँ डेटाबेस एलाइड, क्योंकि मुझे ज़रा काम भी तो करना है ना आगे इसके ऊपर। ये लिखा हुआ आ गया कमांड सेव सक्सेसफुली, और इसको यहाँ से करूँगा बंद, 3-4 बार बटन पे क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करता हूँ, सॉरी। ये देखिए एलाइड का फिर डेटाबेस बना हुआ आ गया, ठीक है? अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्यूरी के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट क्यूरी है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या हुआ कि बैकअप डेटाबेस की जो क्यूरी होती है वो क्या करती है, अगर कोई पुराना एसक्यूएल सर्वर हो तो उसका क्या करेगी, बैकअप उठा के ले आएगी, ठीक है? ये उस सूरत में होता है कि अगर आपने कोई बैकअप संभाल के रखा हो, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरह ये देखें एग्जांपल है, बैकअप डेटाबेस टेस्ट टीबी, यानी टेस्ट टीबी का डेटाबेस, उसको बैकअप करो और उसको उठाना किधर से, उसका लिंक दे दिया। क्योंकि अभी हम लोगों ने डेटाबेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं बनाया तो इसलिए हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये उस सूरत में होती है कि आपने एक डेटाबेस के ऊपर काम करे तो उसका बैकअप आपने कहीं और जाके फाइल सेव करके रखी हुई थी कॉपी उसकी, वो गलती से डिलीट होगी जो मेन फाइल थी जिसके अंदर आप काम कर रहे थे, तो फिर आप ही वाली क्यूरी चलाओगे तो दोबारा वो उसको कैच कर लेगा। नेक्स्ट क्यूरी करते हैं क्रिएट टेबल की। क्रिएट टेबल में सिंटेक्स देखिए क्या है हमारे पास। क्रिएट टेबल, टेबल का जो आपने नाम देना है वो, और उसके बाद बारी बारी जो टेबल के कॉलम्स हैं उनके नेम सेट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाकर इसकी जो एग्जांपल है इसको कॉपी करता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर से अपनी चीज़ों को एडिट करता हूँ। आप लोग भी जब काम करते होते तो कॉपी पेस्ट कर लिया करो, कॉपी पेस्ट करना गलत चीज़ नहीं है, मेन चीज़ इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है? अच्छा जी, क्रिएट टेबल पर्संस, पर्संस नहीं मैं रखता, मैं नाम रखता हूँ कस्टमर, क्योंकि बैंक के अंदर कस्टमर्स होते हैं, ठीक है? कस्टमर्स छोटा लिखते हैं, CUSTOMERS, कस्टमर्स, ठीक है? अच्छा, कस्टमर के लिए मैं लिखता हूँ CID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, और आई डोंट थिंक सो आई नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है? और मैं क्या कर देता हूँ, क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। उसने बोला कि कमांड्स सक्सेसफुली क्या हो गई हैं, डन हो गई हैं, पता कैसे चलेगा? फिर दोबारा इस डेटाबेस को यहाँ से बंद करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 बार पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एलाइट में जाऊँगा, टेबल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें टेबल्स की फ़ाइल नज़र नहीं आ रही। ये उस सूरत में होता है जब हम लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये क्वेरी नहीं नज़र आ रहा होता तो आप टेबल्स को क्लोज़ कर दिया करें, अगर फिर भी नज़र ना आए तो दूसरे मैनुअल तरीके से बना लिया करें। तो मैं अभी दोबारा क्लोज़ करके आपको चेक करवाता हूँ ज़रा।
एज यहाँ पर नहीं शो हो रहा, मैं टेबल्स पे राइट माउस क्लिक करता हूँ। मेन चीज़ है कि जब पेपर में आएगा तो आप लोगों को क्यूरी लिखनी होगी, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्यूरी क्या है। मैनुअल तरीके से आप लैब के वर्क में कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको क्यूरी का पता होना चाहिए बस। न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, और अब हम टेबल का नाम देते हैं CID यानी कस्टमर आईडी। इसकी डाटा टाइप क्या रखते हैं हम लोग? इंट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 10101102 होगी। उसके बाद हम लिखते हैं नेम, इसकी क्या होगी? 4 होगी। और इसकी लेंथ कितनी रख लेते हैं हम लोग? फॉर एग्जांपल 30 रख लेते हैं, क्योंकि नाम आगा मोहम्मद यासुद्दीन भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग इसका लिखते हैं जी ADDRE एड्रेस लिखते हैं, और N4 रखते हैं। N4 का मतलब है कि ये बढ़ भी सकती है। और इसकी मैं लाइन रख लेता हूँ, बल्कि सिटी रखता हूँ, एड्रेस कौन पूछता है इस दौर में, सिटी। और यहाँ पे भी 4 रख लेता हूँ। 4 की लेंथ कितनी रख लेता हूँ? 30 रख लेता हूँ। 30 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ हो सकते किसी भी सिटी में, ठीक है, स्पेशली अगर मासाचुसेट्स भी कोई लफ्ज़ है यूनिवर्सिटी का या किसी जगह का, तो मेरे हाल से उसके भी 30 से कम ही बनते हैं। और इसके अलावा कैश, ऑब्वियसली बात है, बैंक का बना रहे हैं डाटा बेस, हम कैश का इंट रख लेते हैं। और आई थिंक सो दैट इज़ मोर देन एनीथिंग। साथ हम क्या कर लेते हैं? एज चलो कर लेते हैं, ठीक है, कस्टमर की एज भी, और हम इसको भी एज जो है वो इंटीजर डेटा टाइप होगी, हमारे पास ही हो गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने नल रखना है किसी को या नहीं रखना। इसमें से मैं कैश को नल नहीं रखना चाहता, मैं कहता हूँ सॉरी। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा कॉलम ऐसा है जिसको हम लोग जो अगर नल रख भी देते हैं तो हमें कोई, कैश को ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि ये नल यानी खाली भी रह सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो होना ज़रूरी है। कर लिया मैंने, कंट्रोल एस पे क्लिक करूँगा, वो बोल रहा है अपने टेबल का नाम बताओ, तो मैंने टेबल का नाम रखना है कस्टमर, ओके पे क्लिक करूँगा। चलो जी, अब फाइल रिफ्रेश करते हैं, ये देखें कस्टमर का टेबल बना हुआ आ गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, कस्टमर के टेबल पे आता हूँ और कुछ डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एट द टॉप 200 रोज में जाते, ठीक है। हाँ जी, CID 01, कस्टमर ID 01, नाम रख लेते हैं जी हाजरा, सिटी किधर है? इस्लामगढ़। कैश कितना हाजरा के पास? 2000 रुपीज़। एज कितनी हाजरा की? 24, ठीक है। अब हाजरा लड़ना ना शुरू हो जाना इस चीज़ को लेके, मुझे एज किसी की भी नहीं पता। ID 2, नाम रख लेता हूँ मैं अहमद, किधर का ये? मीरपुर का। कैश कितना है इसके पास? 1500 रुपये। एज है इसकी 14-15 साल। चलो इस तरह मैं 2-3 लोगों के रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। दैट इज़ द मोर देन एनी थिंग। मैंने कुछ लोगों का रिकॉर्ड एंटर कर दिया, कंट्रोल एस पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि चीज़ें सेव हो जाएं। चले जी, नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली जब आप डाटा टेबल क्रिएट करते हो कंस्ट्रेंट तब लगाने पड़ते हैं आपको। तो इसमें क्या है, नॉट नल हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं, यूनिक होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, फॉरन की किसी को रखना हो, चेक्स रखने हो, डिफ़ॉल्ट रखना हो, इंडेक्स रखने हो, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। लेकिन करंटली मैं आप लोगों को नॉट नल किस तरह करेंगे उसके, इसकी क्यूरी क्या है, यानी एज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कहा था कि कैश जो है ना वो हाली नॉट नल हो सकता, बाकी नहीं। अगर मैं अब एक ऐसा काम करूँ जिसमें मैं ये बोलूँ कि
जो एज है वो भी नल हो सकती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसका डिज़ाइन चेक कराता हूँ आप लोगों, ताकि आप लोगों को इसको अच्छी समझ लग सके। ये देखो बच्चों गौर से, कैश जो था वो नल हो सकता था, वो खाली बॉक्स भी हो सकता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे एज भी नॉट नल करवानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल प्लस एड करता हूँ न्यू क्वेरी के लिए, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, कस्टमर, मॉडिफाई किसको करना है, सिटी को करेंगे तो सिटी का देख लें पहले कि सिटी का डिज़ाइन में मैंने क्या लिखा, सिटी क्या है, चार है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इंट की जगह लिखूँगा चार और नॉट नल। कंपाइलर कह रहा है कि इसके अंदर एरर है कोई, कस्टमर की स्पेलिंग भी ठीक है, कॉलम का नेम भी सिटी है, सिटी को मैंने नॉट नल भी नहीं किया हुआ। आई थिंक वो मॉडिफाई लव्स को पिक नहीं कर रहा, बहरहाल छोड़ें इसे, नेक्स्ट क्यूरी करते हैं। मॉडिफाई को फाइंड आउट ही नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने इंजेक्शन और होस्टिंग ये चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों ने, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इंट्रो के ऊपर। अच्छा जी, इंट्रो में आप लोग सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली क्यूरी चलाते हैं जो बेसिकली क्या है, सिलेक्ट को डिफाइन करती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, सारा का सारा टेबल यहाँ पे मुझे शो करवा दो। देखिए क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, ये देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सिर्फ नाम शो करवाने हैं कस्टमर के टेबल से, तो मैं क्या क्यूरी लिखूँगा, सिलेक्ट, एक बंदा माइक्रोफोन ऑन करके बताए जल्दी से, शाबाश। नेम फ्रॉम कस्टमर, गुड गुड, चलो जी नेम हो गया, एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें नाम चेक करा रहा है। अच्छा, नेम के अलावा मुझे सी आई डी, बल्कि सी आई डी तो पहले ही शो होगा, इसके अलावा मैं क्या शो करवा सकता हूँ साथ, सिटी और कैश, चले नेम और कैश, सॉरी मैंने कामा नहीं लगाया इसके लिए, ये देखें ये नेम भी आ गया, कैश भी आ गया। अच्छा जी, नेम कैश और क्या आ सकता है जी, सिटी, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी को, ये देखें नेम भी शो करवा रहा है, कैश भी शो करा रहा है, सिटी भी शो करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर स्टैटिक होगा तो उसका मतलब होगा सारे का सारा, और अगर मुझे कोई पार्टिकुलर कॉलम शो करवाना है तो उस कॉलम का नाम याद रखिएगा, ये नेम एन छोटा लिखा, मैं ज़रा एन बड़ा लिख के देखता हूँ क्या होता है, उसको नहीं पता चल रहा ये नेम क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेरी रन करता हूँ, अच्छा उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन एसक्यूएल के जो पुराने वेरिएंट्स होते थे उसमें ऐसा नहीं था होता। तो अगर आपने नेम कॉलम में एन छोटा लिखा हुआ है तो आप क्यूरी के अंदर भी छोटा ही लिखेंगे, क्योंकि जब आप लैब के कंप्यूटर्स में आके काम करेंगे तो सम टाइम उसके अंदर ही इशू आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेलेक्ट की क्यूरी कम्प्लीट की। अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं सिंटेक्स वाले में, ये हम लोग कर चुके हैं, और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सेलेक्ट का सिंटैक्स हम लोगों ने अभी किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल,
सिलेक्ट कॉलम भी हम लोग कर चुके हैं, सिलेक्ट नेम रोल नंबर किया जो हमारे कॉलम का नाम था, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल से हम लोगों ने ये भी कर दिया, सिलेक्ट स्टैटिक का भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ जी, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता था, जो चीज़ अलग नज़र आती होती थी। ये देखिएगा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल जो करेंगे वो होगी विदाउट डिस्टिंक्ट के, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करते हैं, सिलेक्ट इसको क्यूरी ऑलरेडी नॉन डिस्टिंक्ट यानी विदाउट डिस्टिंक्ट तो की भी है हम लोगों ने, जिसमें सिलेक्ट हमने नेम रोल नंबर किया हुआ। और अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यानी कि सिमिलर चीज़ें ना हो। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे बीच सैलरी मेरे हाल से कैसी चीज़ है जो कॉमन आ सकती है, सेम सेम आ सकती है सब में सैलरी, किसी इसकी भी 2000 है और इसकी सैलरी भी 2000 है, तो मैं कैश को मद्देनज़र रख के करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट सॉरी, मैं टाइप करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं डिस्टिंक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्टिंक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर, तो देखिएगा जो 2000 रुपया इधर भी लिखा हुआ आ रहा है, इधर भी लिखा हुआ आ रहा है ना, वो अब एक ही बार शो होगा, देखना ज़रा ये देखें। और सिलेक्ट नेम डिस्टिंक्ट कैश करके देखता हूँ क्या होता है, लेकिन उसको पिक नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट कैश कॉमा नेम, तो देखें नेम भी शो करवा रहा है वो और साथ कैश भी शो करवा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि सर जी ये तो 2000 रुपया फिर आ रहा है, देखिए डिस्टिंक्ट जो है वो दो चीज़ों को लेकर हो रहा है, कैश को लेकर हो रहा है और नेम को लेकर हो रहा है, ठीक है। ये कौन है जिसको इस टाइम याद आई है क्लास अटेंड करने की, अच्छा हुआ जो भी था चला गया खुद, ये कर लिया। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई सिमिलर चीज़ें दिखानी पड़ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। काउंट करना है, हम लोगों ने काउंट किया था, आई थिंक सो हम लोगों ने काउंट किया। सो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, चेक करते हैं कि काउंट के ऐड करने से क्या होगा। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कैश फ्रॉम, ये कस्टमर है ना लफ्ज़, तो वो इसलिए अब मैं क्यूरी रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, काउंट आने से क्या होता है। ये देखें उसने टोटल बता दिया कि टोटल जो कैश के डिस्टिंक हैं वो हमारे पास चार बनते हैं। ज़रा आके चेक करते हैं यहाँ पे, एक दो, क्योंकि 2000 फिर रिपीट हो रहा है इसलिए ये नहीं होगा, तीन, ये 4000 रुपये वाला और चार। तो इसने देखें अगर हमारी क्यूरी पर ये बता दिया कि टोटल जो काउंट बनता है वो चार का बनता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ थी अगर डिस्टिंक के साथ आपको काउंट यूज़ करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और अब वेयर की क्यूरी करते हैं, आई थिंक सो ये मुकम्मल हो गया। हाँ, वेयर की क्यूरी करते हैं, सिलेक्ट और वेयर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर, आगे की कंडीशन लगेगी, वेयर का क्लॉज। चलो जी हम भी ऐसे ही करते हैं, बहुत ईजी और बहुत रिलैक्स होके करना है काम। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर से स्टैटिक उठाओ जहाँ पर सिटी क्या हो, मीरपुर हो। एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसने बता दिया नीचे क्यूरी में आके कि अहमद और शाहजेब दो लोग हैं जिनका सिटी जो है वो मीरपुर है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये देखना हो कि जिनकी एज जो है वो 15 है, तो मैं क्या करूँगा, शाबाश, वेयर एज इज इक्वल टू 15, ठीक है। क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखें अहमद जो है वो बंदा है जिसकी एज 15 है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ किसकी सैलरी जो है, किसका कैश जो अकाउंट में पड़ा हुआ है वो 1000 रुपये है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें उसने बताया कोई भी नहीं है, 1500 वाले हैं, देखना भी 1500 किया, उसे बता दिया अहमद बंदा है जिसका कैश जो है 1500 रुपया पड़ा हुआ है। 2000 रुपये वाले देखते हैं कौन कौन है, दो बंदे थे मेरे हाल से, कौन कौन है, हाजरा और शाहजेब दो लोग हैं जिनका कैश जो है वो 2000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ, ठीक है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब वेयर का लगता है तो हम आगे कोई ना कोई कंडीशन है अप्लाई कर सकते हैं। चले जी ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर, चलें जी ज़रा यूज़ करते हैं इनको, किस तरह करते हैं। ये डेटाबेस था, एंड की एग्जांपल देखते हैं। मुझे कभी कभी ऐसी क्वेरी लगानी पड़ जाती है जहाँ पे हम लोगों को कंडीशन देनी पड़ जाए, तो हम करते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर। ये देखिए कोर से देखेंगे फिर आपको समझ, स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी, मैं कहता हूँ जिसका शहर जो है वो मीरपुर हो, और सिटी जो है उसका सिटी मीरपुर हो, और कैश उसका क्या हो 2000 रुपये हो। जरा रन करते हैं। ये देखो सर बताया कि शाहजेब एक ऐसा बंदा है जो मीरपुर में रहता है, उसका कैश भी 2000 रुपये, ठीक है। अच्छा अगर मैं तीसरा एंड लगाऊं, देखें हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं है, लेकिन चलें इसको हम तजर्बा कह सकते हैं। एंड एज इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, और शाहजेब की उम्र 19 है तो मैं 19 लिखता हूँ ताकि हमारी क्यूरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। चेक करता हूँ क्या ये क्यूरी एग्जीक्यूट करता है। वेरी गुड, इसने क्यूरी एग्जीक्यूट कर दिया है। इसका मतलब है कि हम जी मल्टीपल एंड्स भी लगा सकते हैं। अच्छा जी ये हमारा हो गया एंड ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं और की, कि लेट सपोज हमारे पास ऐसा आ जाए कि हमें एक ऐसे बंदे का आप डेटा बताओ जिस जो या तो मीरपुर में रहता हो या जिसका कैश 2000 रुपये हो। और की ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, ये देखें अब इसमें क्या है, ऐसे वो सब लोग जो मीरपुर में रह रहे हैं वो, या फिर जिनका या जिनका कैश जो है वो 2000 रुपये के बीच में आता है तो उनका। अब देखें अहमद जो है वो रहता तो मीरपुर है लेकिन उसका कैश 1500 रुपये है, तो ये क्यों शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि पहली क्यूरी जो है वो एक्सेप्टेड है, मीरपुर लिखा हुआ आ रहा है। और या फिर जिसका कैश क्या हो 2000 रुपये, तो ये देखें ऊपर 2000 रुपये वाले नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, तो हमने एंड भी कर लिया और भी कर दिया, ज़रा नॉट पे आ जाते हैं। अच्छा जी अब मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का डाटा बताओ जिनका सिटी मीरपुर नहीं है, वे सिटी अगर तो नॉट एक यहाँ पे नॉट लिखते हैं, जिनका सिटी भी मीरपुर ना हो और कैश भी 2000 के बराबर ना हो। एरर दे रहा है पहले से इसमें, वो कह रहा है इनकोरेक्ट सिंटैक्स है, ये नॉट को हैंडल नहीं कर रहा वो। चले मूव करते हैं। सॉरी एंड नॉट होगा, सही है, ठीक है। यानी उन लोगों का मुझे नाम बताओ जो मीरपुर में रहते हों और ना ही वो जो है जिनका कैश 2000 रुपया हो। चलें जी, तो मेरे हाथ से इन सब के अलावा बाकी सब का डाटा शो होगा, देखना। ये देखो उसमें फिर एक ही बचता है अहमद जिसका मीरपुर शहर का है और कैश भी उसका 1500 रुपया। तो ये क्यूरी इस तरह एग्जीक्यूट होती है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में इन्हीं से सवाल आने हैं और बहुत बड़ा काम है। अगर आप लोगों को टेबल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पर क्यूरी क्या लगी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय, यानी हम लोगों ने ऑर्डर रखना है टेबल का, तो मैं ऑर्डर बाय जो है वो करने लगा हूँ। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय, मैं सबसे पहले जो है ना करता हूँ नेम कर देता हूँ, ठीक है, और क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए पहले ए वाले आ रहे हैं नाम, फिर एच है, फिर एस है, सीक्वेंस में आ गए। अब मैं करता हूँ ऑर्डर बाय कैश, तो देखना जिसका सबसे कम कैश होगा सबसे पहले वो नज़र आएगा। ये देखें पहले 1500 वाले, फिर 2000 रुपये वाले, फिर 3000 रुपये वाले, फिर 4000 रुपये वाले। अब मैं क्या करता हूँ,
ऑर्डर बाय एज करता हूँ तो देखें जिनकी पहले उम्र कम थी 15, फिर 19, फिर 21, 24 और 41 वाले आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर बाय असेंडिंग तो नॉर्मली ऐसे ही रहता है, हम लोग डिसेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय एज था और एज के आगे लिख देता हूँ डी एस ई, यानी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे बताओ डी एस ई होना चाहिए ना, ऑर्डर बाय एज डी ई एस सी है, सॉरी डी ई एस सी। ठीक है, और ज़रा अब रन करता हूँ तो देखना उल्टा नज़र आएगा, जिसकी उम्र पहले 41 थी वो है, फिर 24 है, फिर 21 है, फिर 15 और फिर 19 और फिर 15 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किसी भी प्रॉपर कॉलम को शो करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक क्यूरी ये है कि हम एक कॉलम को असेंडिंग और दूसरे को डिसेंडिंग करें तो किस तरह करेंगे। ये मिसाल के तौर पर हम लोगों ने बोला कि जो एज है वो डिसेंडिंग में कर दो, ठीक है, और जो नेम जो है वो नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। लेकिन इसको पिक क्यों नहीं कर रहा, असेंडिंग की स्पेलिंग गलत, आई थिंक सो, ये एस ई लिखना है इसको, सॉरी ये कि मुझे उन लोगों का डेटा शो कराओ जहाँ उस तरीके से शो कराओ कि नेम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग एज डिसेंडिंग ऑर्डर में आए और नेम असेंडिंग में आए। अब एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें ए पहले एच बाद में है और उसके बाद जो है वो एज जो है वो डिसेंडिंग में आ रही है 41 24, केरी एग्जीक्यूट हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंसर्ट इन टू, बहुत आसान तरीका है, अगर क्यूरी के थ्रू आपको इंसर्ट कराना पड़े, पहले तो हमने वैल्यूज इंसर्ट की है ना खुद, अगर हमें क्यूरी के थ्रू करना पड़ जाए हम कैसे करते हैं, लेट वी सी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, नाम क्या क्या हमारे कॉलम्स के थे, सी आई डी, ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम का नेम था नेम, तीसरा क्या था, सिटी कैश एज, चले जी सिटी कैश एज, और अब हम देते हैं सबसे पहले वैल्यूज देते हैं, सी आई डी मतलब हमारा क्या था, सॉरी नंबर 6 आएगा, चलो जी 6, नाम रख लेते हैं, चले नाम जो लिखा हुआ रहने देते, सिटी नॉर्वे रहने देते हैं, और कैश उसका रखते हैं 8,000, ठीक है, और एज उसकी लिख लेते हैं 91 सपोज करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैरी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसने कहा 1 रो इफेक्टेड हो गई है, दोबारा आएंगे, अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे और पहले तो इसको हम बंद कर देंगे, उसको दोबारा ओपन करेंगे, एडिट टॉप 200 रो से तो नज़र आएगा आपको, देखें जो मैंने भी एंटर किया 6 सिल्वेस्टर नॉर्वे 8091 जो मैंने ऐड किया, तो हमने ये क्यूरी भी एग्जीक्यूट कर ली। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नल वैल्यूज़ के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी कॉलम को हम लोगों को नॉट नल करना हो तो हम कैसे करेंगे, नल ऑपरेटर कैसे यूज़ होगा। ठीक है, नल ऑपरेटर ये है कि इस नल के साथ होता है, हमें उन लोगों के नाम शो करवाओ जिसका एड्रेस नल ना हो। अब देखिए हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर हमने कोई चीज़ नल रखी हुई ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के अंदर सबसे पहले जाके कोई चीज़ नल रख देता हूँ, पहले देखते हैं हमने नल रखा किसको है, डिज़ाइन में जाकर हमने कहा कि कैश नल हो सकता है, तो मैं एक बंदे का कैश जो है ना यहाँ से नल कर देता हूँ, समीर का कैश जो है वो मैं नल कर देता हूँ, देखिए मुझे कोई एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैं सर एज नल कर दिया आपने, ओ सॉरी 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 सर
वो तो कैश को भी वैलिड नहीं कर रहा, सोचने वाली बात हुई है। कैश ही नल है ना, क्या जीरो लेना पड़ेगा? पर जीरो नल तो नहीं होता। ठीक है, तो अब नॉट नल को कर देते हैं, इसकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने असाइनमेंट करनी थी, मुझे समझ नहीं लगी कि इतना क्या मुश्किल था आप लोगों के लिए, जो असाइनमेंट को वो इतना टाइम लगा करने में। सिलेक्ट, मैं स्टेरिक कर देता हूँ, ठीक है, सारा कुछ शो करवा दो मुझे। स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कैश इज नल, ठीक है, वो क्या। अब देखो क्यूरी क्या है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल से मुझे सारा कुछ शो कराओ जहाँ पर कैश नल हो, जबकि मेरे टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं है, तो इसलिए वो कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे एम्प्टी शो करवा रहा है। ठीक है, अगर कोई मैंने चीज़ नल रखी होती तो वो चीज़ को शो करवा देता। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलें इज नॉट नल करते हैं, तो इससे सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी हमारी। अब सबका रिकॉर्ड शो होगा, ये देखें क्यों, क्योंकि किसी की वैल्यू नल नहीं है। जीरो बेसिकली नल नहीं होता, वैल्यू होती है एक उसकी। चलें जी मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, माजरत मुर्गे के लिए। अपडेट की कैरी, अरे वाह 4-2 बज गए, आज तो रिकॉर्ड बना दिया हम लोगों ने। अपडेट कैसे करना होगा, हम कहते हैं अपडेट करो कस्टमर के टेबल से, सेट करो नेम। मैं पहले बताता हूँ कि मुझे अपडेट करना किसको है, टारगेट करते हैं सबसे पहले। ये जो नाम सिल्वेस्टर लिखा हुआ है ना, सिल्वेस्टर आईडी नंबर 6 का, मुझे इसका नेम, कंट सिटी और कैश और एज को चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने कहा नेम इज इक्वल टू, हाँ जी क्या रखे, नाम निदा रख लेते हैं, सिटी रख लेते हैं, उसका क्या था, सिटी सिटी नॉर्वे था। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ यूएसए, ठीक है, आई थिंक सो दैट इज़ बेटर। और उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने बोला है नेम हो गया, सिटी हो गया, हाँ जी, और क्या था, कैश इज इक्वल टू, और कैश हम कर देते सर हैं, इधर कैश नल के, कैश को नल रहने क्यों चेक करें ना, वो अरे नहीं नल केरी नहीं की। एग्जीक्यूट करेगा। एक मिनट है, जो पहले मुझे करने, तो फिर हम दोबारा इसको अपडेट कर देते, ठीक है। निदा रख लिया, सिटी हमने यूएसए रख दिया, कैश हमने 12,000 रुपया कर दिया, और क्या चीज़ रह गई है, सिटी रह, सिटी के अलावा क्या चीज़ रहती है भाई, एज रह गई है भाई, एज इज इक्वल टू, एज मैं कर देता हूँ उसकी 31, ठीक है, क्या इसकी अपडेट कर दो 31। वेयर, जहाँ पर CID कितना हो, आईडी क्या है इसकी, सॉरी आईडी क्या है इसकी, नंबर 6। चलें जी बुलाने करते हैं, जरा कह रहा 1 रोज इफेक्टेड, काम हो गया। रादर देन कि मैं इस टेबल को ओपन करूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा इसको ओपन करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज का। तो अब देखिएगा, नाम सिल्वेस्टर की जगह निदा लिखा हुआ आ गया, यूएसए 12,000 और एज हमने 31 रख दी, और आईडी क्या थी उसकी, 6 थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल के अंदर किसी भी टेबल को अपडेट कर सकते हैं। ऑल दो अपडेट जो करना होता है वो हम जनरली भी जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फिर क्यूरी लिखनी पड़ेगी। क्यूरी आसान है यहाँ की, इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं एसक्यूएल डिलीट की क्यूरी सबसे एंड पे करवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं और हम सेलेक्ट टॉप करते हैं, घबराए मत, बस 4-5 ही रह गई हैं क्यूरी सब, तो ठीक है। सेलेक्ट चले, मैं पहले टॉप की करवा लेता हूँ, सेलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर
देखते क्या होता है जब हम इस तरह की क्यूरीज लगाते हैं। तो जो टॉप 3 लोग थे मेरी डेटाबेस के अंदर, उसने मुझे उसका रिकॉर्ड शो करवा दिया। चलें जी, अब मुझे टॉप 1 बंदे का देखना है, तो इसका मतलब है जो सिर्फ हाजरा का डेटाबेस में एड्रेस होगा, हाजरा का डेटाबेस का रिकॉर्ड शो होगा मुझे। ये देखिएगा, ये देखिए सिर्फ हाजरा का डेटा शो हो रहा है मुझे। तो इसके इसके थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप को शो करवा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। जब टॉप नहीं करना, मैं कहता हूँ सिलेक्ट सारा दिखाओ, कस्टमर से लिमिट 3, यानी 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले नहीं आ जाता था ये, स्पेलिंग मिस्टेक करके वो लिमिट को क्यों नहीं पिक कर रहा भाई? सर इज इक्वल टू 3 नहीं होगा क्या करें वैसे? नहीं, ऐसा होता तो इसमें भी वही चीज होती ना। चलो एक काम करते हैं, हमें उन लिमिट को छोड़ देते हैं। वेयर कैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड शो कराओ जिनका कैश 2000 से ज्यादा हो। ये देखें, जिनका 2000 से ज्यादा था उसका उनका रिकॉर्ड शो करवा दिया, जिनका 2000 रुपये से कम हो, अब देखते हैं उनका किस तरह होगा। वेयर हम क्या करेंगे, लेस देन, ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, लेस देन इक्वल टू 2000 सेमीकोलन, क्वेरी का एग्जीक्यूट करता हूँ। तो उन लोगों का रिकॉर्ड शो करा रहा है जिनका कैश जो है 2000 से कम या बराबर है उसके। तो ये हम लोग बेसिकली इस तरह की कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर। हम परसेंटेज भी टॉप 5% फ्रॉम द कस्टमर कर सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, लेकिन 50 का हमारे बीच होगा नहीं असल में। ये देखे जी, टॉप 50% यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ दिखानी हो, तो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने लोगों का था, 6 लोगों का था। तो 50% क्या हुआ, 6 लोगों का 3 तक। इसलिए अगर आप देखें तो हमें रिकॉर्ड जो है वो 3 लोगों का शो करवाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्यूरी मैं करता नहीं हूँ, आप लोगों को बस इधर से देख ले, सिलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल से टॉप 3 लोगों का रिकॉर्ड शो करें जहाँ पे कंट्री या हम कैश इज इक्वल टू 2000 या लेस देन इक्वल टू 2000 करते तो उस तरह का हो जाता। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मैक्स है, काउंट एवरेज चाहिए, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी किए हैं, लेकिन घर से आप लोगों ने करने हैं। लाइक तक करना है आप लोगों ने, वाइल्ड कार्ड्स और इन नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बिटवीन करना है, एलाइसिस भी करना है, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये किए थे। ठीक है, मैं जो अभी आपको करवा रहा हूँ लास्ट क्यूरी करवाने लगा हूँ एसक्यूएल को या डेटाबेस को, जब हमने डिलीट करना होता हम कैसे करते हैं। सॉरी, अगर मुझे किसी पार्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करवाना है एसक्यूएल से, मैं कैसे करूँगा? हम बोलेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, अभी किसी चीज़ पे भी हो सकता है, याद रखना, वेयर कस्टम वेयर सी आई डी इज इक्वल टू 6, छठे वाले को डिलीट करवाते हैं। ठीक है, और सेमी कॉलन एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 रोज इफेक्टेड है,
इसको बंद करूंगा, जहर सी बात है, अभी तो वो छठा शो करेगा मुझे। अब देखना छठा रिकॉर्ड नहीं शो होगा मुझे, ये देखिए 5 तक शो हो रहा है, छठा रिकॉर्ड मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है लास्ट, अगर हमें सारा रिकॉर्ड डिलीट करना हो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम लिख देंगे, मेरा टेबल का नाम है कस्टमर, सेमी कॉलन लगाऊंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये अब इस तरह नहीं शो होगा, जब मैं दोबारा डेटाबेस को क्लोज करके ओपन करूंगा ना, सॉरी एसक्यूएल को, फिर ये चीज़ शो हो जाएगी मुझे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था जो अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क किया, और जब आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी ये कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके, देखें 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ था अभी तक फिर रिपीट किया, तो इसका मतलब है कि अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है तो 1 घंटे की तैयारी बहुत है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूरी कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, किस क्यूरी के करने से क्या आउटपुट आती है। ज़्यादातर पेपर में यही होगा कि मैं आउटपुट दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसकी क्यूरी बताएं क्या बनती है, तो वो फिर उसी को पता होगी जिसको क्यूरी आती होगी। ठीक है, किसी बच्चे का भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले प्लीज़।